तीन कृषि कानून को पास किए जाने के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए हरियाणा की खट्टर सरकार और दिल्ली की पुलिस लगातार दिल्ली और एनसीआर की सीमा को छावनी में तब्दील कर चुकी है और लगातार किसानों के ऊपर वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। बावजूद इसके किसानों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है और किसान दिल्ली कूच के नारे के साथ दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जगह जगह पे दिल्ली एनसीआर को छावनी में तब्दील किया गया है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी और बैरिकेटिंग के जरिए किसानों को दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें किसानों के ऊपर पानी के बौछार किए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है मोदी सरकार किसानों की बात सुनने की बजाय उनके ऊपर लाठियां भांज रही है, उनके ऊपर पानी की बौछार कर रही है। देश का अन्नदाता अपनी बात कहने के लिए दिल्ली आना चाहता है लेकिन दिल्ली तक उनको नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि मोदी सरकार जनरल डायर की तरह हो गई है, जो किसानों के ऊपर जो किसान दिल्ली पहुंचना चाह रहे हैं उनको रोकने का प्रयास कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है। और साथ ही ये भी कहा है कि ये कहां का इंसाफ है कि आप ISI को के लिए तो रेड कारपेट बिछाते हैं जो आतंकवादियों का समर्थन करता है, और देश का अन्नदाता जब देश की राजधानी दिल्ली में आकर अपनी बात कहना चाहता है तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा है कि लगातार मोदी सरकार गुमराह करने का प्रयास कर रही है MSP को लेकर, उसे लिखित रूप से और कानूनी तरीके से किसानों को ये आश्वस्त करना चाहिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो किसानों के मन में शंका है उसको दूर किया जाए। देश के किसान के साथ भाजपा ईस्ट इंडिया कंपनी और जनरल डायर जैसा रवैया कर रही है। जिस किसान को लाल गुलाब देके स्वागत करना चाहिए उस किसान का लाल लहू भाजपा बेशर्मी से सड़कों पर बहा रही है। भाजपा एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद समर्थित ISI आर्मी को लाल कालीन बिछा के पंजाब में स्वागत करती है, पर पंजाब के किसान को दिल्ली राजधानी में आने की इजाजत नहीं देती। क्या यह नया भारत है जहां भाजपा की केंद्रीय सरकार आतंकवादी समर्थक ISI को देश के किसान से ज्यादा इज्जत बख्शती है? यह कहां का इंसाफ है? आज जग जाहिर है कि भाजपा किसानों की नहीं बल्कि बेईमानों की सरकार है। भाजपा जिम्मेदार सरकार नहीं बल्कि जालिम सरकार है। संविधान दिवस का जश्न भाजपा किसानों के आर्टिकल 21 के जीवन जीने के अधिकार को और आर्टिकल 19 में दिए गए हुए धरना देने के अधिकार का हनन करके मना रही है। देश का किसान ये जान गया है कि भाजपा आत्मनिर्भर होने में विश्वास नहीं रखती बल्कि किसान के पर कतरने में विश्वास रखती। लगातार किसानों का प्रदर्शन और किसान दिल्ली तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पे जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं उन पे उनको रोका जा रहा है। और ये भी लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कितनी बुरी हालत में किसान हैं और किस तरह से ठंड के दिनों में उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को उठा रही है कि अगर मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर सही में संजीदा है तो उसे किसानों की बात सुननी चाहिए और किसानों की जो मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानूनी तौर पर उनको आश्वस्त करने के लिए लाया जाए कि उसकी गारंटी बनी रहेगी। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।